नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की एक पारिवारिक कहानी असली धन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं कहानी। शाम का धुंधलाका बढ़ रहा था, तकरीबन 7 बज चुके थे। बिरजू पैदल अपने कंधे पर अपना मिस्त्री का सामान उठा अपने घर की ओर बढ़ रहा था। पैसे से एक मकान बनाने वाला मिस्त्री है बिरजू, जो कि रोज चौक पर जाकर सुबह खड़ा होकर काम करने वाले मालिकों की राह ताकता था। यही उसकी पारिवारिक रोजी रोटी कमाने का एकमात्र साधन है। बीते 2 दिनों से वह एक बंगले की रिपेयरिंग का काम कर रहा था। वहीं अपना काम निपटाकर वह वापस पैदल घर की ओर बढ़ रहा था कि अचानक हलवाई की दुकान पर नजरें पड़ते ही उसे अपनी पत्नी सुधा की बात याद आई। सुधा ने 2 दिन पहले ही उसे कहा था, परसों अपनी दोनों बेटियों का जन्मदिन है, भूल मत जाना, उनके लिए कुछ मीठा लेते हुए आना। आज काम की दिहाड़ी पूरे 450 रुपये मिली थी उसे। साथ में उसे काम से खुश होकर बंगले के मालकिन ने एक चॉकलेट का पैकेट भी पकड़ा दिया था, क्योंकि सुबह ही काम करते हुए उन्होंने उससे पूछा था, घर में कौन कौन है आपके भैया। तब बिरजू ने मालकिन को बताया था कि उसके अलावा उसकी पत्नी सुधा और 2 बेटियां हैं, आस्था और आराध्या, और आज बड़ी बेटी का जन्मदिन भी है। तो आते वक्त उन्होंने बिरजू को चॉकलेट का पैकेट दे दिया था। दोनों बच्चियों के सेठ जी 250 ग्राम रसगुल्ला तोल देना, कंधे से सामान उतारते हुए बिरजू बोला। और पेंट के अंदर की चोर जेब से रुपये निकालकर उसने हलवाई की ओर बढ़ा दिया। हाथ में मिठाई आते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने आस्था और आध्या की लाखों रुपये वाली खुशी खरीद ली हो। दोनों को रसगुल्ले बहुत पसंद है। मन ही मन मुस्कुराते हुए बिरजू तेजी से कदम बढ़ाने लगा। उसे घर जाने की जल्दी जो थी, क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन जो था। अचानक एक गारमेंट की दुकान देखकर उसके कदम रुक से गए। फिर सहसा ही उसे याद आया, जिस घर में वो मिस्त्री का काम करके लौटा है वहाँ बंगले मालिक के बच्चे भी तकरीबन उसकी बेटियों की उम्र के ही थे। बंगले मालिक के बच्चों ने कितने महंगे कपड़े पहने हुए थे, और हाँ, दोनों बच्चों के पास मोबाइल भी था, वो भी अलग अलग बड़े वाला। और वो दोनों बात बात पर मॉम डैड जाने क्या कहकर साहब मैडम को बुला रहे थे। कितनी अच्छी किस्मत है कि अच्छा बड़ा घर, नए बढ़िया कपड़े, बड़ा टीवी, मोबाइल और भी जाने क्या क्या, और एक मैं क्या दे पाया अब तक अपने बच्चों को। यही सोचते हुए उसकी आंखें भीग गई और मन कुंठित हो गया, वह उदास सा हो गया। आस्था के पास ले देकर एक ही अच्छा सूट सलवार है जिसे वह हर त्यौहार पर पहन लेती है और फिर बक्से में रख देती है अगली बार के लिए। तो वहीं आराध्या कभी कभी जिद कर जाती है नए कपड़ों की, छोटी है ना, अभी उसे ही समझ नहीं है। उसने मन ही मन पक्का किया कि कैसे भी जोर तोड़ और मेहनत से रुपया बचाकर वो अपने दोनों बेटियों को नए कपड़े तो दिलाने ही है, अभी मेरी और सुधा की तो चल ही रही है, उसने तो शुरू से ही मेरा साथ निभाया है, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की, उन्हीं 2 पुरानी साड़ियों में ही खुश रहती है मेरी तरह। ले देकर उसके पास भी वही पुरानी पैंट कमीज है जो एक बार एक फ्लैट में काम करते हुए खुशी से फ्लैट मालिक ने उसे दी थी, मगर मेरी बेटियां आखिर उन्हें दे क्या, पता हूँ कभी दी त्यौहार पर नए कपड़े लेकर नहीं दिया अब तक। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आज भी उसकी मिठाई खरीदने की खुशी दूर उड़ चुकी थी। सोचते सोचते बिरजू घर पहुंचा। दरवाजे पर कदमों की आहट से रोज की भांति सुधा तुरंत बाहर निकल आई। उसकी भांति एक आत्मी के साथ उसने बिरजू का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। बिरजू ने पूछा ही था कि आस्था और आराध्या के बारे में कि भीतर से दोनों पापा जी कहते हुए सामने आ खड़ी हो गई और उसने स्नेहपूर्वक पकड़ कर अंदर ले गए। आस्था जहां दौड़कर पानी लाई प्लेट में सजाकर, तो वहीं आराध्या तो लिपट ही गई थी। उसने अचानक बिरजू की आंखों में आज दोपहर तक दृश्य दौड़ तैर गए थे, जब वह उस बंगले की मालकिन के यहाँ दीवार रिपेयरिंग कर रहा था तो मैडम ने अपनी बेटी को एक कप चाय बनाने के लिए कहा था क्योंकि उसका सिर दर्द कर रहा था, लेकिन उनकी बेटी
भिनभिनाती पैर पट्टी सोफे पे पसर गई थी टीवी के सामने, यह कह के कि उसका पसंदीदा सीरियल आ रहा है, तुम खुद बना लो। यह सब स्मरण होते ही बिरजू के मन से सारी कुंठा हवा हो गई। उसने मिठाई का पैकेट आस्था को थमाया और आराध्या को चॉकलेट का, और आस्था आराध्या को चूमते हुए कहा, जन्मदिन की शुभकामनाएं बेटा, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। अपनी पसंदीदा मिठाई चॉकलेट पाकर दोनों बेटी खुशी से चहकने लगी थी। देखकर बिरजू और उसकी पत्नी सुधा भी मुस्कुराने लगी। बिरजू के मन में आ रही कुंठा ने अब अपनी जगह संतुष्टि को दे दी थी। वह समझ गया था कि संस्कार और अपनापन ही असली धन है जो उसके पास एक परिवार के रूप में भरपूर मौजूद है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।